ये हमारे मेरे प्रोजेक्ट का राइटअप है और ये हमारे प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम है और ये आप देख रहे हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट मॉडल है जो हमने तैयार किया है, उसका नाम है स्मार्ट होम। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश, मेरे साथ है हरेश, हम जीएचएस भूसरवाड़ा स्कूल से आए हैं। हमारी स्कूल रूरल एरिया में है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है स्मार्ट होम। आज का युग यानी तकनीकी का युग, साथ साथ मानव जीवन भी फास्ट होते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ के जीवन में घर में यूज इस्तेमाल हो रहे साधनों और उसमें इस्तेमाल हो रहे स्रोत की जानकारी देता मॉडल यानी स्मार्ट होम। स्मार्ट होम का वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि ऊर्जा का परिवर्तक होता है और उसका विद्युत सिग्नल में विस्थापन होता है और उसका यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित या फेर होता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमने सेंसर, बजर, मोटर, वायर, एलईडी लैंप, कार शीट, ड्रॉइंग शीट, रंगीन पेपर आदि सब चीज वस्तुओं का उपयोग करके हमने ये पूरा स्मार्ट होम बनाया है। अब ये वर्क कैसे करता है, इसकी रचना क्या है, ये पूरा कंपाउंड के अंदर ये देख रहे हैं, इसका नाम है स्मार्ट होम। ये हमने बनाया है और ये डिजिटल हमने अपने जमाने के साथ हमने बनाया है। ये हमने पूरा वेस्ट कार्ड शीट से बनाया है। हमारे प्रोजेक्ट की कार्य कुछ इस तरह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार जैसे ये गेट के पास आता है, अपने आप गेट ओपन हो जाता है और जैसे ही अंदर दाखिल होता है अपने आप गेट क्लोज हो जाता है, जिससे हमें वॉचमैन की जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त आपको प्रैक्टिकल करके बताएगा, जिससे आपको पता लगेगा कैसे करता है। ये आपने देखा कार या कोई अंदर आया और जैसे ही अंदर आया अपने आप क्लोज हो गया। उसी तरह हमारा दूसरा ये है कि ऑटोमेटिक डोरबेल, अगर कोई आएगा उसको पता नहीं है डोरबेल कहाँ है, घर का डोर बंद है, तो जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ेगा अपने आप डोरबेल बजेगी और अपने घर के अंदर के व्यक्ति को पता लगता है कि क्या हुआ, कोई आया है। जैसे आप देख सकते हैं ये बजा, आपको अंदर के व्यक्ति को पता लगा कि कोई आया है। उसी तरह हमने रखा है वॉशरूम, अगर कोई आया और उसको पता भी नहीं है कि घर में वॉशरूम कहाँ पर है, तो वो कहाँ पता भी है, अगर वॉशरूम में चला भी गया तो वो लाइट ढूंढेगा, उसको पता भी नहीं है। तो हमने ये वॉशरूम इस तरह बनाया है कि अगर कोई व्यक्ति और जैसे ही वॉशरूम में अंदर होता है, गेट ओपन करता है, डोर खोलता है, अपने आप लाइट विद्युत प्रवाह होता है, लाइट ऑन हो जाती है। जैसे ही वो डोर क्लोज करके बाहर आता है लाइट क्लोज है, ये आप देखा ये लाइट ऑन हुई और जैसे ही हमने क्लोज किया डोर अपने आप लाइट ऑफ हो जाती है। उसी तरह हमने टेरेस के ऊपर वाटर टैंक रखा है, अभी पानी की बर्बादी भी ज़्यादा हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये वाटर टैंक बनाया है। जैसे ही हम ऊपर अगर पानी का वाटर टैंक खाली हो गया और उसको भरने के लिए हम स्विच ऑन करते हैं, कभी कभार क्या होता है पानी वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमने उसको लिए रखा है कि जैसे ही पानी का स्विच ऑन होते ही वाटर टैंक पूर्ण भर जाता है तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है और जैसे पानी बर्बाद नहीं होता। और अभी हमारे माननीय वड़ाप्रधान भी जल शक्ति अभियान भी चला रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, जो ये हमने चालू किया स्विच ऑन की, जैसे ही विद्युत प्रवाह पानी आ गया, जैसे ही इधर पहुंचेगा पानी अपने आप हो जाएगा, ऐसे हमें पता है, ऐसे हम पानी के वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इस स्मार्ट होम में सभी फैसिलिटी, अगर अचानक आग जैसी कोई घटना हुई, अगर हमें पता भी नहीं है और ये फैसिलिटी है, इसमें वायरिंग है, तो ये हो सकता है। इसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये किया है कि अगर आग जैसी कोई घटना हुई तो आग के धुएं से फायर अलार्म बजता है और घर के सभी व्यक्ति को पता लगता है कि कुछ आग जैसी घटना हुई है, जैसे हम हमारे जरूरी सामान को बचा सकते हैं। ये अब देखेंगे कि जैसे आग जैसी घटना फायर अलार्म बजता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई और जैसे फायर अलार्म बजाए जब हमने वो पता भी लगा। और इससे आगे हमने रखा है स्ट्रीट लाइट की तरह रखी है, जैसे ही रात का अंधेरा होता है हम आते हैं स्ट्रीट ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये हमने नहीं रखा, हमने ऐसा सेंसर के द्वारा ऐसा रखा है कि जैसे ही रात होती है अपने आप लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है अपने आप लाइट ऑफ हो जाती है। इस घर की हमने ऐसा स्मार्ट होम तैयार किया है, इसमें सब जैसे फैसिलिटी है। अब हमारे ये स्मार्ट होम का उपयोग क्या है, इससे हम घर का खर्च कम कर सकते हैं, हमें जैसे कि नौकर रखना, वॉचमैन रखना,
ये सब काम कर सकते हैं, विद्युत भी बचा सकते हैं और पानी बर्बाद होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।